हेलो संध्या वंदन नमस्कार। आज 31 दिसंबर सन 2020 की शाम आपका स्वागत है। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं, आज सुबह सुबह मैं ऐसे एक नदी किनारे बैठा था और मैंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था। वो क्या करता था कि कोई छोटी मछली पकड़ में आती थी तब तो उसे अपने टोकरे में रख लेता था, लेकिन कोई बड़ी मछली पकड़ में आती थी उसे छोड़ देता था। ऐसे ही एक बड़ी मछली उसकी जाल में फंसी तो उसे उसने फिर से छोड़ दिया। मैंने उसे पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो, ये इतनी बढ़िया इतनी बड़ी मछली पकड़ में आई, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि बाबूजी मैं इसे बेचने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर पे अपने खाने के लिए ले जा रहा हूँ, और मेरे घर में किचन में जो कढ़ाई है छोटी सी है, तो उस छोटी सी कढ़ाई पे हम बड़ी मछली को कैसे पकाएंगे? मैंने उससे कहा कि अरे बाबा, बड़ी मछली को भी आप चाकू से छोटे छोटे टुकड़े में काट करके छोटी कढ़ाई में पका सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है बाबूजी। फिर मुझे खुद लगा कि कभी कभी हम लोग भी यही गलती कर बैठते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो जो पढ़ाई की मछली होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और खुद आपके दिमाग की जो कढ़ाई है वो तो छोटी सी है, तो छोटी कढ़ाई पे बड़ी मछली को कैसे पकाएंगे, बड़ी बात को कैसे समझेंगे? इसका सीधा सा फार्मूला है कि उसे छोटे छोटे पीसेस में करके समझें आप, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अपने आप में बहुत ही एलेबोरेट टॉपिक है, लेकिन उसे समझने के लिए एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े में स्टेप बाई स्टेप एक एक शॉर्ट नोट एक एक पॉइंट लेकर के चलें तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज फॉस्फोराइलेशन के बारे में इस एपिसोड 136 में। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जब भी कोई चीज फॉस्फेट से अटैच होती है, जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसमें से एक ग्रुप अलग हो गया, आयन बना जो, तो इसे फॉस्फेट आयन कहते हैं। ये फॉस्फेट आयन ये किसी भी एलिमेंट कंपाउंड या रेडिकल से बाइंड होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। अब ये फॉस्फोराइलेशन कब होता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के समय हाइड्रोजन एटम्स एक एक करके अलग होते हैं, और जो एनर्जी निकलती है बॉन्ड एनर्जी, उससे हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर देती है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। एनर्जी जो निकलती है इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर इस्तेमाल कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी बनाने में। एटीपी एनर्जी के लिए स्टोरेज ऑर्गन है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो आइए देखें, ये फॉस्फोराइलेशन वैसे तो चार प्रकार का हो जाता है। एक फॉस्फोराइलेशन तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के समय होता है, जिसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके बाद ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के समय शुरू में ग्लूकोज एक फॉस्फेट से अटैच होता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाता है, यहाँ भी फॉस्फोराइलेशन हुआ, और फिर वो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बना, फिर एक और फॉस्फेट अटैच होता है तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है, तो वहाँ भी फॉस्फोराइलेशन है। इस फॉस्फोराइलेशन से ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल एनर्जाइज्ड हो जाता है। जब एनर्जाइज हो जाता है तो इसमें एक एक करके इसका ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी निकलती है और फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनाने में स्टोर कर ली जाती है। आइए देखते हैं, दो तरीके हैं, एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के समय दो प्रकार से फॉस्फोराइलेशन होता है। एक तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन है, एटीपी तो बनता है लेकिन मॉलिक्यूल पे ही इस तरीके का एनर्जी का रीअरेंजमेंट होता है कि जिससे इतनी एनर्जी निकलती है जिससे एक बार में सिर्फ एक एटीपी बन पाता है। तो ऐसे फॉस्फोराइलेशन को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। दूसरी बात ऐसा होता है कि कभी कभी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अलग हुआ उसमें इतनी एनर्जी है कि उससे 3 ATP बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर के पास होता है तो उससे एक बार में 3 ATP बन जाते हैं। अब आइए देखें कहां कहां सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, कहां कहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के तीन एग्जाम्पल हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस के समय दो एग्जाम्पल हैं, जो 3-फॉस्फोग्लिसराइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो उस समय क्या होता है कि एक फॉस्फेट अटैच हुआ, लेकिन इसमें ये हाई एनर्जी बॉन्ड से बन जाता है। तो ये जब अलग होता है, एक एडीपी और एक फॉस्फेट, एक एडीपी इस फॉस्फेट को ले लेता है और एटीपी बना लेता है। यहाँ पर तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये वाला जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है वो एडीपी के द्वारा ले लिया गया, एटीपी बना लिया गया, इसमें एक ही एटीपी बना। इसके अलावा फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से पाइरुविक एसिड बनने में भी, यहाँ पे भी फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में जो बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो ये एक एडीपी से बाइंड हुआ, एटीपी बना लिया और पाइरुविक एसिड बन गया। तो दो एग्जाम्पल ये। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में भी एक स्टेप ऐसा है जहाँ पे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनने में, तो इससे भी एक बार में एक ही एटीपी बनता है। दूसरे ऐसे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट रेडिकल या कंपाउंड से ऑक्सीजन बाइंड हो, या उसमें से हाइड्रोजन अलग हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे तीनों काम होते हैं, हाइड्रोजन अलग होता है, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आयनाइज हो जाता है, उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब फिर फॉस्फोराइलेशन में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे खास बात यह है कि ऑक्सीडेशन से जो निकलने वाली एनर्जी है वो इमीडिएटली एडीपी के फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनाने में स्टोर कर ली जाती है। तो इन दोनों क्रियाओं की कपलिंग को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये 5 स्टेप में होता है क्रेब्स साइकिल में। सबसे पहले तो पाइरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो वहां पर हाइड्रोजन अलग होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। दूसरा, आइसोसाइक्लिक एसिड से अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड बनता है तो वहां पर होता है। तीसरा, अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम यहां पर बना तो भी यहां पर हाइड्रोजन अलग करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया। 3, ये 5 और 6 में ऐसा होता है। फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने में, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, लेकिन शुरुआत एनएडी से नहीं होता है, एफएडी से होता है, इसलिए इसमें 3 की जगह 2 ही एटीपी बन पाते हैं, तो 1 एटीपी यहां से बन जाता है। लास्ट, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने में भी हाइड्रोजन अलग हुआ, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटा, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, उससे फिर 3 एटीपी बन गया। असल में जो अधिकांश किताबें हैं और अधिकांश टीचर ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें रिएक्शंस तो बता देते हैं कि ये रिएक्शन है और उसमें ये एंजाइम्स होते हैं, बच्चा रट लेता है, लेकिन वास्तव में इवेंट क्या होता है बीच में, ये उस अधिकांश किताबों में क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं। मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ एक किताब के लिए। एक किताब बचपन में मैंने पढ़ी थी, साइंस ऑफ बायोलॉजी बाय पॉल बी विज, और मैं अपने टीचर्स का भी थैंकफुल हूँ, जो हमारे टीचर थे श्री पीसी दुबे, प्रमोद चरण दुबे सर, दूसरे मिस्टर साहेब दयाल, इन टीचरों ने जो मुझे बताया, तो उससे एक्चुअली जो इसका बायो एनर्जेटिक्स है उसका कंसेप्ट मुझे क्लियर हुआ। तो आपको इन रिएक्शंस में बीच में एक्चुअली घटनाक्रम क्या हो रहे हैं ये याद करना है, ये समझना है। याद करने की सीधी सी बात है, 2-3 तरीके के रिएक्शन होते हैं इसमें। कुछ जगह आइसोमेराइजेशन होता है, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन जाता है। 2-3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है तो उसे डीकार्बोक्सीलेशन कहते हैं, और 6 जगह हाइड्रोजन एक एक करके अलग होता है तो उसे डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और उसके लिए जो एंजाइम होंगे डिहाइड्रोजिनेशन के लिए जो एंजाइम होंगे उसे डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, आइसोमेराइजेशन के लिए जो एंजाइम होंगे आइसोमेरेज होंगे, और डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो उसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहेंगे। इसमें सीधी सी बात, मैलिक एसिड से डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो उस एंजाइम में आपको क्या कहेंगे, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज,
सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो उसमें एंजाइम को क्या कहें, सक्सिनिक एसिड हाइड्रोजन है। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है, तीन बातें, जहां आइसोमेराइजेशन होता है आइसोमेरेज एंजाइम होगा, जहां पे CO2 अलग हुआ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, और जहां पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। किस सबस्ट्रेट में हो रहा है उस सबस्ट्रेट के नाम के साथ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपको जोड़ लेना है। तो चीजें इस तरीके से आसान हो जाती हैं। तो ये हुआ फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू वेरी मच।